नमस्कार, सनमार्ग लाइव में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं रेखा और इस वक्त हमारे साथ मौजूद है कृषि मंत्री रणधीर सिंह। सर बताइए, विपक्ष जो है बार बार सुखाड़ घोषित करने की मांग कर रहा है, इस पर क्या है? मैं निश्चित रूप से मैं आप बहन हो और अच्छी मुद्दा को आपने उठाया, इसके लिए मैं आपको बधाई। राज्य सरकार, मैंने मेरे सदन में भी कहा है, 15 अगस्त तक हम स्थिति को वेट एंड वॉच देख रहे हैं कि 15 अगस्त तक क्या स्थिति बनती है। सरकार निश्चित रूप से कड़ी कार्रवाई, मैंने आज अच्छे निर्णय लेगी किसानों के प्रति। रणधीर जी, जिस दिन मॉनसून ने दस्तक दी थी, बारिश हुई थी, उस दिन आपने नाच नाच करके विपक्ष को चिढ़ाने की कोशिश की थी, इसमें क्या? मैं बहुत खुश हूँ, आज भी खुश हूँ। राज्य में हर जगह बारिश हो रही है और रांची में भी कुछ बारिश अभी हुई है, जो कि जो बिचड़ा मर रहे थे बिचड़ा बच गए हैं। और अभी भी मौसम विभाग ने कहा आजकल अच्छी बारिश होने की संभावना है, तो अभी भी बारिश अगर अच्छी हो जाती है तो 15 अगस्त में स्थिति तक अगर अच्छी मौसम हो जाती है तो स्थिति बहुत सुधार हो जाएगी, तो निश्चित रूप से किसानों को अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। अब सुखाड़ होने से तो बहुत ज़्यादा किसान को सरकार राहत देती है, लेकिन फिर भी तो किसान को क्षति तो हो जाती है ना। तो निश्चित रूप से कृषि मंत्री होने के नाते जब मानसून देखता हूँ तो निश्चित रूप से खुशी होती है। आखिरी सवाल, आप कितने खुश हैं? पहली बार ऐसी कोई सरकार है जिसने 5 साल के कार्यकाल को पूरा किया। झारखंड इस चीज़ को लेकर काफ़ी बदनाम था, कभी भी यहाँ हमेशा गठबंधन की सरकार होती थी या फिर यहाँ पे मतलब कभी सरकार रही ही नहीं है, तो पहली ऐसी सरकार है जो 5 साल के कार्यकाल को पूरा कर। निश्चित रूप से सबसे पहले तो मैं राज्य की सभापति को जनता को बधाई देता हूँ कि उन्होंने एक अस्थायी सरकार दी और माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय रघुवर दास जी के नेतृत्व में अच्छी काम हुई सरकार में, तेजी से विकास के काम हुए। और हम मुझे भी 4.5 साल मंत्रालय संभालने का मौका मिला, पहली बार जीत के आए थे, काफ़ी अनुभव प्राप्त हुआ, खट्टा मीठा अनुभव लेकर यहाँ से जा रहे हैं। और निश्चित रूप से जो लेकिन एक नकारात्मक भाव यही मन में, विपक्ष ने जो नकारात्मक रोल किया 2 साल तक लगातार सत्ता में, और विपक्ष के विधायकों को जो सदन को हाइजैक करने का कोशिश किया, विपक्ष के लोगों ने सत्तापक्ष के विधायकों का क्वेश्चन नहीं आना, और सरकार हम लोग सरकार में जब हैं तो निश्चित रूप से हम लोग चाहते थे कि सरकार जनता के बीच जुड़े हुए सवालात सत्ता पक्ष विपक्ष के विधायकों का आना चाहिए, लेकिन ये जनता के लिए बहुत दुख की खबर है कि सदन में जो है वो जनता की आवाज़, जनता की समस्या लोग नहीं उठा पाए और उस पर बहस या बात नहीं हो पाई। निश्चित रूप से इसको लेके मैं बहुत दुखी हूँ कि नेता प्रतिपक्ष और उनके पूरे माननीय सदस्यों ने 2 साल से सदन को हाईजैक करने की कोशिश किया और जनता से जुड़े हुए बहुत सवालत नहीं आ पाए। ऐसे जनता को क्या जवाब दीजिएगा? जनता तो सवाल करेगी, जनता तो विपक्ष के सवाल करेगी। अभी लोकसभा चुनाव में विपक्ष की क्या हाल हुई है देख लिया, और आने वाले विधानसभा चुनाव में विपक्ष की सुपड़ा साफ होने जा रही है राज्य में। धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ कृषि मंत्री जिनसे हमने बात की, उन्होंने बताया कि मॉनसून को लेकर कि ये काफ़ी खुश है और अगर जल्द मॉनसून ने दस्तक झारखंड में नहीं दी तो बहुत जल्द झारखंड को सूखाग्रस्त घोषित किया जाएगा। सहयोगी सुभाष के साथ रेखा मिश्रा, सनमार्ग लाइव, रांची।